वैसे निलेश मुझे कहना पड़ेगा वो एप्पल खीर का जो कॉम्बिनेशन था देखने में जितना इंटरेस्टिंग था बहुत ज्यादा उससे ज्यादा स्वाद था. सीरियसली बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा. मैं तुम्हें अभी जो रेसिपी दिखाने वाला हूँ उसका नाम है चॉकलेट रोल, लेकिन ऑब्वियसली ला बेल की लो कैल रेसिपी किचन में है हम, तो ये चॉकलेट रोल रहेगा कम्प्लीटली लो कैल. और उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं पहले वो देखते हैं. एक्चुअली चलिए देखते हैं. इंग्रेडिएंट्स: कोको पाउडर 5 to 10 grams, क्रश्ड बिस्किट 250 grams, दूध 50 to 100 ml, पनीर 250 grams, शुगर फ्री शुगर स्वादानुसार. शुरू में हम इसका एक डो बनाने जा रहे हैं. डो के लिए ये जो बिस्किट का क्रश है वेरी फाइन क्रश किया है मैंने, मिक्सर में कर सकते हो या फिर वी कैन जस्ट हाथ से उसको क्रश कर सकते हैं. थोड़ा सा इसमें हम ये पनीर मिक्स करेंगे और हल्का सा ये दूध, थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध उसमें मिक्स करना है. और जैसे हम चपाती का आटा बनाते हैं उसी तरह हम इसका आटा बुनेंगे. नाइस. पता, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज चॉकलेट रोल्स एंड देख लिया मैंने, शुगर फ्री शुगर है हमारे पास. अच्छे से उसको हमने मिक्स करना है. देखो हाथ लगा के इसको सॉफ्टनेस. यस, दे आर नाइस एंड सॉफ्ट डो. अभी इसके हम दो पार्ट्स करेंगे. ये एक पार्ट जो एक पार्ट रहेगा वो थोड़ा सा छोटा रहेगा और दूसरा पार्ट थोड़ा बड़ा रहेगा. ये छोटा पार्ट मैं साइड में रख देता हूँ. इसमें अभी हम शुगर मिक्स करेंगे जो शुगर फ्री शुगर है. बहुत कम डालना पड़ता है क्योंकि ये वैसे ही बहुत स्वीट रहता है, तो फॉर दिस आई थिंक 1 teaspoon इज मोर देन सफिशिएंट इतना पोर्शन के लिए. और इसमें अभी मैं थोड़ा सा ये कोको पाउडर जो है वो मिक्स करने वाला हूँ, हल्का सा. कोको पाउडर बिटर होता है, इसको अच्छे से नीड कर रहे हैं. और थोड़ा उसमें मिक्स करेंगे फॉर कलर, नहीं तो चॉकलेट का कलर नहीं आएगा तो फिर चॉकलेट रोल नहीं कहलाएगा. बिल्कुल. ये मैंने इसको चॉकलेटी रोल बना दिया है पूरा. देखो थोड़ा स्वीट है, या फिर आई कैन ऐड लिटिल मोर स्वीटनेस. आई थिंक इट्स ओके. इट्स ओके. नाइस. अच्छा स्वीट है. गुड. इसको एक रोल जैसे बना दिया. आई एम थोड़ा सा फ्लैटनिंग कर रहा हूँ मैं उसको. अभी ये जो दूसरा रोल है इसमें हमने थोड़ा सा शुगर ऐड करना है. ये छोटा रोल है तो हाफ से भी ज़्यादा शुगर इसमें हमने मिक्स किया, हाफ टीस्पून से भी ज़्यादा, हाफ टीस्पून से भी कम. ये छोटा रोल किया है, इसको हम ये चॉकलेट रोल के अंदर हम इसका थोड़ा पार्ट निकाल के रखते हैं ऊपर के पैच वर्क के लिए अगर करना पड़े तो. इसके अंदर हम इसको छुपा देते हैं. और पूरी तरह से इसको कवर कर देते हैं. इसको ऊपर से सील करके ये हुआ अपना चॉकलेट बॉल रेडी. थोड़ा सा उसको ब्लेंड कर देंगे. तो मैं ये बता रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन एक बार जब बनाने को हम लेंगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है डिश. और अभी वी कैन मेक इसके टू पार्ट्स या फिर इसको हम रोल कर सकते हैं. सो वी कैन मेक, थोड़ी सी शुगर हम इस पर स्प्रेड स्प्रिंकल करेंगे. Till you make a nice log out of it. एक log shape में इसको roll करना है. तुम try करो. चलो. मैं भी. एक बार कर दो.
उसमें क्या है? गुड, जम रहा है। ब्रेक ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से, और इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, थोड़ा चिल होने के लिए। चिल सब चीज़ें जो है इसमें वो बाइंड हो जाएगी, थोड़ा ठंडा, उसको टेम्परेचर थोड़ा कम करेंगे तो बाइंड होगी, और फिर हम उसको स्लाइस करके वी कैन जस्ट सर्व इट लाइक अ नाइस स्मूथ चॉकलेटी केक, या उसको तुम पुडिंग कह सकते हो, या फिर ब्राउनी कह सकते हो, या फिर सिंपल लो कैल चॉकलेट रोल कह सकते हो। लवली, अब मतलब चॉकलेट रोल से मुझे तो कोई दूर नहीं रख सकता। वेरी ट्रू, लो कैल है, एंड मैं कभी भी खा सकती हूं। हम इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखते हैं, तब तक आप देखिए इसकी रेसिपी की डिटेल्स और इमीडिएटली इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। चॉकलेट रोल बनाने के लिए सबसे पहले क्रश किया हुआ बिस्किट, पनीर और दूध का सूखा मिश्रण यानी कि डो बना लें। अब इसे दो हिस्सों में बांट लें। अब आधे मिश्रण में हाफ चम्मच शुगर फ्री शुगर और कोको पाउडर मिक्स करके रोल बना लें। अब इस रोल के अंदर बचा हुआ दूसरा हिस्सा डालकर इसे रोल का शेप दें। इसे फ्रिज में ठंडा करके इसके स्लाइसेस कर लें। तो लीजिए, तैयार हो गया आपका चॉकलेट रोल, और इसमें आपको मिलता है 2.98 कैलोरीज, प्रोटीन्स 0.06 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 0.025 ग्राम और फैट 0.15 ग्राम। But I must tell you, chocolate rolls बहुत delicious थे, बहुत अच्छे थे। Thank you. And बहुत अच्छा लगा आपने हमारा साथ दिया, and मुझे तो आपने बहुत स्वाद स्वाद खाना खिलाया। My pleasure. तो देखा दोस्तों आपने, लाबेल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स की फॉर्मुलेटेड रेसिपीज की वजह से उनके साथ साथ आप अपने घर पर भी स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहती हूँ कि इस शो में बनाई गई हर रेसिपी खाने में जितनी स्वादिष्ट है, सेहत के लिए उतनी ही फायदेमंद भी है। सो फ्रेंड्स, लाबेल की लो कैल किचन के साथ आप जी भरकर अपने मनचाहे पकवान बना के खा सकते हैं और सेहतमंद भी रह सकते हैं। याद रखिएगा, कैलोरी में कम और स्वाद में दम। और इसी आशा के साथ मैं आपकी होस्ट हरप्रीत और मैं शेफ निलेश आपसे विदा लेते हैं। सो टिल देन, ओके, बाय बाय, सी यू, चाओ।